तो फ्रेंड्स, मैं के नेहरा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2018 का जो मैटर है वो कोर्ट में भी चल रहा है, और 9 तारीख की जो है ये खबर है जो अखबार में छपी थी, जिसमें कहा गया कि भाई सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने पर केंद्र सरकार से मांगी जानकारी। कहाँ का मामला है? तो हाई कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा तथा मेडिकल जांच में सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति करे कार्यभार नहीं सौंपने के मामले में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से जो है 10 दिन में जानकारी मांगी है। साथ ही याचिका को सुनवाई के लिए 16 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सोनू कुमार पासवान की याचिका पर दिया है। लिखित परीक्षा और मेडिकल में सफल घोषित होने के बावजूद याचिका की जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। साथियों, लगातार जो है डेट पे डेट दी जा रही है, एसएससी जो है उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंततः जो है एसएससी जीडी 2018 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जीत होगी, और निश्चित तौर पे जो है बहुत जल्द, समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द जो है एसएससी जीडी 2018 की एक और लिस्ट निकलेगी, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स के सपने जो है साकार होंगे। तो देखते हैं 16 फरवरी को क्या होता है। 16 फरवरी को एक बार फिर से जो है इनकी डेट जो है लगेगी, तो उस दिन एक बार फिर से जो है इस पर जो है सुनवाई की जाएगी। तो जो भी जानकारी होगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।